हे गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो अनबॉक्सिंग के ऊपर होने वाली है। ये है मेरे पास रोलर स्केट जो कि मैंने अमेजोन से मंगाए थे और आज मैं इनकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वो देखते हैं कैसा क्या निकलता है। चलो इसको फटाफट से खोलते हैं। ओ भाई हो, तो ये है रोलर स्केट ड्रेस कंपनी के। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं निकला, मैन यही है। और बॉक्स के ऊपर जो पन्नी थी वो मैंने पहले ही फाड़ के फेंक दी थी। तो इसको अब खोलते हैं जो कि शायद ऐसे खुल जाएगा। वाव, ये है भाई का। और क्या है इसके अंदर, ठीक। तो ये आइटम निकला हुआ है इसके अंदर। और इस वाले पैर के अंदर ही इन्होंने ये भी दिया हुआ है। ये इसकी बेल्ट है और बेल्ट की क्वालिटी ठीक है, मतलब ठीक है, अभी ये काफ़ी अच्छी है। और वैसे ये वाले जो रोलर स्केट हैं वो मैंने 800 रुपये की मंगाए हैं अमेजोन पे। आपको लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप भी मंगाना चाहो तो मंगा लेना। और मैं इनको चला के भी देखने वाला हूँ कि किस तरीके से ये चलते हैं और कितने अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इसको रखते हैं साइड में। और ये हैं फीते जो कि हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये आता है मैन अपना रोलर स्केट। ये एडजस्टेबल रोलर स्केट है और एक के अंदर इन्होंने फीता लगा के दिया, एक के अंदर नहीं दिया, पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग। और इसके साथ एक की भी मिली हुई है हमें। अगर चाहो तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये जो यहाँ पर बोल्ट होता है इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो इसको। इसको बस आपको ऐसे फंसाना है और इस तरीके से फंसा के यहाँ पर घुमा देना है, तो ये बोल्ट ढीला हो जाएगा। आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो वैसे मेरा साइज इतना बड़ा है तो मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ और उसके बाद इसको कस देता हूँ। ये हो गया टाइट, इसको रखते हैं साइड में। और ये पी को भी रखते हैं, दूसरे वाले को निकालते हैं, इसकी पन्नी बड़ा। तो इन रोलर स्केट की अब मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर जो व्हील लगे हुए हैं, व्हील के ऊपर उन्होंने ये सेफ्टी दे रखी है। इससे होगा क्या, जब आप इसको मिट्टी वगैरह में चलाओगे तो धूल मिट्टी इसके अंदर नहीं जाएगी, तो बेयरिंग उतनी ही बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं इस वाले व्हील को जब घुमाता हूँ तो ये थोड़ी देर चलता है, रुक जाता है। और अगर मैं इस वाले व्हील को घुमाता हूँ तो ये काफ़ी देर चलता रहता है। तो ये इतनी ज़्यादा देर इसीलिए चल रहा है, यहाँ पर इसका जो बोल्ट है वो थोड़ा ढीला है, इसका थोड़ा टाइट कर दिया कंपनी वालों ने। वैसे मैं इसको खोल के ढीला कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो ये रोलर स्केट की व्हील होते हैं इसमें बैरिंग नहीं होती है, इसके अंदर छर्रे होते हैं और वो पूरे सेटअप के साथ आते हैं, मतलब इसके अंदर आपको बैरिंग नहीं मिलेगी। फिर भी ये बहुत ही स्मूथनेस चलते हैं। मैं इसको चलाऊंगा, रिव्यू दूंगा मैं कैसे चलते हैं। इसकी व्हील की क्वालिटी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और रोड पर चलने के बाद ही पता चलेगी कि ये व्हील कितने ज़्यादा अच्छे हैं। इसको भी हम फटाफट से बड़ा करते हैं पहले तो। अब यहाँ पर एक मेरे को बात अच्छी नहीं लगी, देखो इस तरफ से तो हम इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं लेकिन इस तरफ से नहीं कर सकते। इनको इस तरफ भी ये पॉइंट देना चाहिए था ताकि हम इस तरफ से भी छोटा बड़ा कर सकें। और ये इसकी ब्रेक है जो कि ठीक ठाक है, पर ये ब्रेक जल्दी घिस जाती है। अभी तो पता नहीं घिसेगी या नहीं घिसेगी, वो तो जब हम इसको चलाएंगे उसके बाद पता चलेगा। ये जो बेल्ट है ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, यानी कि जितनी ज़्यादा मुलायम होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी, आप इसे समझो। अब अगर हम इसकी वजन की बात करें तो एक व्हील लगभग 1 किलो के आसपास होगा आराम से। ये जो एक व्हील है, ये जो एक पैर है, पूरा व्हील नहीं सॉरी, ये जो पूरा एक स्केट है ये लगभग 1 किलो के अराउंड होगा आराम से, अगर मैं इसके वजन की बात करूं। और इसके ये जो लोहे की क्वालिटी है, यानी कि जो ये व्हील है बेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मजबूत भी होता है। अब यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो इनलाइन स्केट हैं इनको चलाने के लिए आपको जूते पहनने पड़ते हैं, शूज। तो जूते पहन लो, उसके बाद ही इन वाले इनलाइन स्केट को पहनो, क्योंकि तब ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक से, ये जो व्हील है ये थोड़ा सा ठीक है ढिल्ला, इसलिए ये मस्त घूमता है। ये भी ढिल्ला है, मस्त घूम रहा है, ये भी मस्त घूम रहा है, पर ये थोड़ा टाइट रखा हुआ है इसलिए ये बेस्ट नहीं घूमता, ये घूमने के बाद रुक जाता है। तो इसको जो है मैं अभी ढीला करके देखता हूँ। ये देखो, ये जो है व्हील के ऊपर लगा हुआ होता है जिसको मैंने चाकू के जरिए निकाल दिया, अभी ये व्हील दिख रहा है। तो ये व्हील का जो ये बोल्ट है मेरे को थोड़ा सा ढीला करना है और ये भी मस्त घूमने लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा
सर बहुत टाइट है, थोड़ा सा, ओह नो, ये ज्यादा टाइट है, मेरे को ऐसे कम लगाना पड़ेगा इसके। तो इसको खोलने के लिए मैं ये ले आया, ये जो दरवाजे में लगता है, मेरे को नाम नहीं पता इसको क्या कहते हैं, कुंडी, कुंडी। तो ये थोड़ा सा ढीला जो हो गया है, अब थोड़ा सा जब ढीला हो गया तो ये देखो इसकी भी स्पीड मस्त हो गई, ऑटोमेटिक एकदम बढ़िया तरीके से घूम रहा है ना। तो बस ये थोड़ा ज़्यादा टाइट कस दिया था उन लोगों ने, तो मैंने इसको थोड़ा सा ढीला कर दिया। तो यहाँ पर ये मस्त तरीके से घूमने लगा भी। अब इसको हम यहाँ पर वापस लगा देते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है, इसको बस यहाँ पर रख के ऐसे प्रेस कर दो और ये लग जाएगा। ये बिल्कुल बस नेट लगा हुआ होता है, हो सकता है समय के साथ ये अपने आप निकल जाए रास्ते में चलाते वक्त कभी, पर अभी तो ये लगा हुआ है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप ठीक है गौर से देखना क्या देख रहा। मैं इस व्हील को जब घुमाता हूँ तो ये बिल्कुल गोल नहीं है, ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा सा 19-20 है। एंड देखा देखो थोड़ा फील हो रहा है ना, तो ये पता शायद किस लिए हो रहा है। मेरे हिसाब से ये नई व्हील है, इसलिए ये बिल्कुल गोल नहीं है। आई थिंक जब मैं रोड पर चलाऊंगा और रोड पर चलाने के बाद जब इनपे इनके ऊपर जो ग्रिप वाली पॉलिश लगी होती है वो हट जाएगी, तो उसके बाद शायद जो ये है एकदम गोल हो जाए ऑटोमेटिक। वैसे इससे इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ठीक है। तो अब चलते हैं रोड की तरफ और हम चला के देखते हैं इनका क्या हाल होने वाला है। तो रोड पे चलने से पहले सबसे पहले तो हम इनके अंदर फीते को लगा देते हैं, और इसमें जो बेल्ट नहीं लगा के दिए तो वो लगा देते हैं फटाफट से। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने फीतों को लगा दिया और बेल्ट भी लगा दिए। अब चलते हैं रोड पे और फटाफट से टेस्ट करते हैं ये कितने अच्छे व्हील हैं। तो रोड पे चलने से पहले सबसे पहले मैं आपके दिमाग को खटखटा देता हूँ, देखो वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट से लाइक मार दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि वो भी ये अनबॉक्सिंग की वीडियो देख लें। अगर वो भी ये वाले रोलर स्केट खरीदना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद खरीद लें, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा ये वाले ठीक ठाक है और बेस्ट है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इनकी, एक साल आप इनको चला सकते हो। और आप भी अगर इनको खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी टॉप पे पिन की हुई, तो वहाँ से आप इनको परचेस कर सकते हो। 800 रुपये के बीच में मिल जाएंगे आपको, तो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है पैसे के बजाय, क्योंकि वो लोग कुछ डिस्काउंट वगैरह देते रहते हैं ना, इसलिए। तो अब चलते हैं रोड पर और इनको चलाते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो है व्हील पहन लिया है नीचे पैरों में, और अब मैं इनको चलाने वाला हूँ और देखते हैं मैं कैसा चला पा रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा काफी ज्यादा बैलेंस बिगड़ रहा है, और मैं वो वाली लाइन स्केट चला रहा था और ये रोलर स्केट है तो काफी ज्यादा बैलेंस बिगड़ रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं एक बार और राउंड लेते हैं। तो मैं इनको ज़्यादा चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यार मेरा इस पर बैलेंस नहीं है, मेरा इनलाइन स्केट पे ज़्यादा बेस्ट बैलेंस है। और वैसे तो इसकी क्वालिटी यहाँ काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये जो लगे हुए थे जो मैंने बताया था बस ऐसे ही चिपके हुए हैं, वो सारे की धारे निकल गए, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। और इसमें एक काम ही बताऊँ मैं आपको, तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ है इसमें, इसके बेल्ट का ये काफ़ी ज़्यादा बेकार क्वालिटी का है। ये ऐसे यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ तो ये देखो बिल्कुल नॉर्मल है, ये मुड़ भी जाता है और ये टूटने वाला है ऐसा समझ लो, शायद अगर मैं इसको दो बार और करूँ तो ये टूट जाएगा। और सबसे खास बात, मैं अपने वही इनलाइन स्केट चलाऊंगा, ये रोलर स्केट मेरे दोस्त के हैं, आइए मिलवाता हूँ उनसे भी। तो गाइस ये है कार्तिक और इसी की ये इनलाइन स्केट है, अब ये पहनेगा और चलाएगा और ये भी पटकी खाएगा, मैं दिखाऊंगा। चलो तो गाइस ये थी मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर सकते हो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको।